इस एपिसोड के शुरुआत में हम एमजे और जिनजिन को देखते हैं, जो स्कूल के बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। जिनजिन बताता है, आज रात युनसाना हमारा टीम ज्वाइन करने वाला है, फिर भी मुझे बुरा लग रहा कि मूनबिन हमारा साथ नहीं है। एमजे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, अब तक युनुओ को कुछ याद आ चुका होगा या वो हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा? जिनजिन बताता है, मुझे क्या पता, जब ऐसा हमारे साथ भी हो जाएगा तभी मुझे पता चलेगा। एमजे परेशान हो जाता है। फिर हमें क्लास का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेरिन अकेले बैठकर मोबाइल कैलेंडर को चेक कर रही होती है, जहाँ पर मूनबिन और युनहो का आने वाला झगड़े के बारे में नोट होती है। हेरिन सोच में पड़ जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेरिन और मूनबिन बैठकर बात कर रहे होते हैं। हेरिन पूछती है, क्या तुम सच में स्कूल नहीं आने वाले हो? मूनबिन बताता है, मुझे पता नहीं, शायद कुछ दिनों के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें जरूर मिस करूंगा, कहकर मुस्कुराता है। हेरिन पूछती है, लेकिन तुम और युनहो कब तक के लिए ऐसे छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करते रहोगे? तुम दोनों का सपना एक ही है, ऐसे झगड़े करने से तुम दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इन सब बातों को हेरिन सोच रही होती है। फिर हमें जिनजिन और एमजे को दिखाया जाता है। एमजे बताता है, मुझे युनहो को अपसेट देखकर प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा है, कहकर आइसक्रीम खाने लगता है। जिनजिन पूछता है, पास्ट में युनहो और मूनबिन फिर से एक कैसे हुए थे? तभी जिनजिन और एमजे सोचकर हेरिन का नाम को साथ में ले लेते हैं। एमजे बताता है, मुझे भी याद है, एरिन युनहो को बैठकर सारे बात को समझाई थी। इसके बाद युनहो और मूनबिन एक हुए थे। ये सब युनहो का ही गलती है। युनहो उसका गुस्से को मूनबिन के ऊपर निकाल आता। तभी वहाँ एरम आती है और वो पूछती है, क्या युनहो सच में उसका गुस्से को मूनबिन के ऊपर निकाल आता? कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर हमें चा युनहो को दिखाया जाता है, जो प्रैक्टिस रूम में बैठकर सॉन्ग कंपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ एरिन आती है और वो चा युनहो से पूछती है, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जब वो कुछ बताने जाती है, तभी वह एरम गुस्से से आती है और वो युनहो के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है, तुम्हें क्या लगता है, मूनबिन को कुछ फीलिंग्स नहीं है? तुम्हारे वजह से मूनबिन को हर्ट हो रहा है। तुम तुम्हारा गुस्से को मूनबिन के ऊपर कैसे निकाल सकते हो? मुझे लगता है तुम इंसान नहीं हो। तभी वहाँ जिनजिन और एमजे एरम को रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों एरम को नहीं रोक पाते हैं। यहीं पर दोनों बहुत परेशान दिखते हैं। तभी वहाँ युनसाना भी आ जाता है। फिर हमें इस सीन को काट कर मूनबिन का बाइक को दिखाया जाता है। दो लड़के उसका बाइक में बैठ कर फोटो खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ मूनबिन आ जाता है। मूनबिन को देखकर उसमें से एक लड़का पूछता है, क्या ये बाइक तुम्हारा है? तुम तो हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया? मुझे लगता है तुम चोरी किए होंगे, तो तुम बाइक के की हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ, कहकर मूनबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो दोनों मूनबिन को मारने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ रॉकी उसका सारे डांसर को वहाँ लेकर आ जाता है। उन सबको देखकर वो दोनों लड़के डरकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर एमजे, जिनजिन और युनसाना को दिखाया जाता है। एमजे और जिनजिन पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। युनसाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ हेरिन और युनसाना का गर्लफ्रेंड आ जाती है। युनसाना उसका गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हेरिन बताती है, मेरे पास एक आइडिया है, इसके वजह से हम मूनबिन और युनहो को फिर से एक कर सकते हैं, इसीलिए हमें रॉकी का मदद लेना होगा। अगर रॉकी हमारे साथ ज्वाइन होगा तो मूनबिन रॉकी के लिए आ जाएगा। मूनबिन रॉकी को मानता है। मूनबिन को मैं मना लेती हूँ। इसके बाद एमजे और जिनजिन रॉकी के पास जाते हैं और वो दोनों रॉकी के सामने रैप करते हुए डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रॉकी भी एमजे और जिनजिन के साथ मिलकर रैप करना शुरू कर देता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।